भाई बड़ी जटिल है हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओ लगता है राजनीति एक ऐसी दुनिया है जहां आप सीखते भी हैं और जीते भी हैं। नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज किस्सा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे यूपी के 10वें सीएम के बारे में, जो थे राम नरेश यादव। राम नरेश यादव के बारे में कहा जाता है कि वह अपनी जेब में इस्तीफा लेकर घूमते थे। सादगी और ईमानदारी उनके व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा थी। किस्मत ने उन्हें यूपी के मुख्यमंत्री पद तक अनोखे ढंग से पहुंचाया। 23 जून 1977 को राम नरेश यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वो इस पद पर 27 फरवरी 1979 तक बने रहे। इनका कार्यकाल 2 साल तक भी नहीं चला। यूपी की राजनीति पहले कांग्रेस से शुरू हुई, फिर इसमें राम मनोहर लोहिया आ गए। लोहिया के नाम एकदम से नए नेता आ गए, जो आदर्श तो कांग्रेस का ही फॉलो करते थे पर नाम लोहिया का लेते थे। इस नाम को लेने की कला ने यूपी में ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स शुरू कर दी। ये थी समाजवाद की पॉलिटिक्स। लंबे समय से आजमगढ़ समेत पूर्वांचल का इलाका समाजवाद का गढ़ रहा। 1977 में यहाँ की जनता ने तत्कालीन केंद्रीय इस्पात मंत्री और इंदिरा कैबिनेट का अहम हिस्सा रहे चंद्रजीत यादव को हराकर जनता पार्टी के राम नरेश यादव को संसद भेजा था। इसके बाद से कांग्रेस यहाँ कभी उभर नहीं पाई। हालांकि बाद में मुलायम समाजवादी नेता हो गए और समाजवाद को यादव और मुस्लिमों के बीच बांट दिया। इसी आजमगढ़ के आंधीपुर गांव में राम नरेश यादव का जन्म 1 जुलाई 1928 को हुआ था। लालन पालन आम ही था। राम नरेश ने बहुत कुछ तूफानी भी नहीं किया था, शांतिप्रिय व्यक्ति थे, तो उस दौर के उग्र स्वतंत्रता सेनानियों में इनका नाम नहीं आता है। पढ़ाई लिखाई पूरी कर 1953 में आजमगढ़ में ही वकालत शुरू कर दी। इनके पिता गया प्रसाद महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुयायी थे, तो राम नरेश का भी लगभग यही झुकाव रहा। उन्होंने वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए, एमए और एलएलबी की पढ़ाई की और यही छात्र संघ की राजनीति से भी जुड़े रहे। इसके बाद कुछ वक्त के लिए वे जौनपुर के पट्टी के नरेंद्रपुर इंटर कॉलेज में लेक्चरार भी रहे। 1953 में उन्होंने आजमगढ़ में वकालत की शुरुआत की। इसी दौरान राम नरेश की दिलचस्पी पॉलिटिक्स में बढ़ती गई। उन्होंने समाजवादी विचारधारा के तहत जाति तोड़ो, बराबरी के मौके, किसानों की लगान माफी, समान शिक्षा, आमदनी और खर्च की सीमा बांधने आदि आंदोलनों को लेकर कई बार गिरफ्तारियां दी। इमरजेंसी के दौरान वे मीसा और डीआईआर के अधीन जून 1975 से फरवरी 1977 तक आजमगढ़ जेल और केंद्रीय जेल नैनी इलाहाबाद में बंद रहे। साल 1977 के चुनाव के बाद हुए चुनाव में राम नरेश जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार निधौली कला से विधानसभा के सदस्य चुने गए। चौधरी चरण सिंह ने राम नरेश से प्रभावित होकर लगातार 3 बार से विधायक रहे मुलायम सिंह यादव को नजरअंदाज करके 1977 में राम नरेश यादव को संयुक्त उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उन्हें 2 साल के भीतर ही अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। चरण सिंह राम नरेश यादव को लंबी रेस का घोड़ा मानते थे, लेकिन यादव के इस्तीफे के बाद खाली पड़ी आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव में मोहसिना किदवई ने जनता पार्टी के कैंडिडेट को बुरी तरह हराया। कांग्रेस की जीत ने जनता पार्टी में भूचाल ला दिया। इंदिरा की आंधी चिकमंगलूर से चल चुकी थी, जनता पार्टी ऐसे ही बदनाम हो रखी थी। इसके बाद अचानक लोगों को लगने लगा कि इंदिरा की आंधी जनता पार्टी को ले डूबेगी। आजमगढ़ उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद राम नरेश को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद जनता पार्टी ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए बनारसी दास को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। राम नरेश ने जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो उसके बाद वो रिक्शे से अपने घर वापस गए। राम नरेश यादव की सरकार में ही
मुलायम सिंह पहली बार राज्य मंत्री बने थे और पहली बार उनको नेताजी भी इसी वक्त कहा गया था। सरकार तो चली नहीं और मुलायम सिंह यादव राज नारायण का साथ छोड़कर चौधरी चरण सिंह के साथ चले गए। राजनीति में खासा मोड़ तब आया जब राम नरेश यादव मुलायम सिंह यादव का मुकाबला करने के लिए चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह की बनाई पार्टी में शामिल हो गए और यही वह वक्त था जब वो कांग्रेस में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए। अपनी सादगी की वजह से उन्हें पूर्वांचल का गांधी कहा जाता था, लेकिन उनका राजनीतिक करियर मध्य प्रदेश में हुए व्यापम भर्ती घोटाले के आरोपों की वजह से खत्म हुआ था। राम नरेश 2011 से 2016 के बीच मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। 15 फरवरी 1979 को राम नरेश ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें इसलिए इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि जनता पार्टी के ऐसे सदस्य जो पहले भारतीय जनसंघ में थे, उन्होंने 11 फरवरी 1979 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपने जुड़ाव की वजह से राम नरेश की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। यह इस्तीफा दोहरी सदस्यता के चलते हुआ था। हालांकि जीवन के आखिरी सालों में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। मई 22 नवंबर 2016 को राम नरेश यादव ने अंतिम सांस ली और दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। खैर, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम फिर हाजिर होंगे यूपी के एक और नए मुख्यमंत्री की नई कहानी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।